जगतसिंहपुर जिला रघुनाथपुर में उत्कलमणि गोपबंधुं प्रतिमूर्ति पार्श्व को तीर्तोल दिवंगत विधायक विष्णु दासों प्रतिमूर्ति स्थापन को नहीं मुंड टेके बद यार प्रतिवाद कर नवनिर्माण कृषक संगठन और कंग्रेस पक्ष आंदोलन बाबद अधिक आलोचना जगत सिंहपुर आम रिपोर्टर जोड़े रही सहित मानस कानून मानस जो प्रतिवाद कर नवनिर्माण कृषक संगठन पक्ष कंग्रेस पक्ष जो आंदोलन डाकरा दि जाए मुख्यतः से दावी कौन रही हाँ देखते निवेदिता जगत सिंहपुर जिलार जो दिवंगत नेता रही पूर्वतन मंत्री एवं तीर्तोल पूर्वतन विधायक स्वर्गत विष्णु दास प्रतिमूर्ति स्थापन को लेकर बिवाद मुंड टेकी गत 26 तारीख में प्रथम श्राद्धवार्षिकी उपलक्षे गोटे तीर्तोल बिरी एवं जो रही रघुनाथपुर जो स्टाच्यू पर जो रही व्यवस्था रही से समस्त प्रकार व्यवस्था थी बेले गत जो 26 तारीख दिन स्टाच्यूर उन्मोचन रघुनाथपुर बजार उपर जो रही आम जो जगार रही गोटे पटे उत्कलमणि गोपबंधु रही स्टाच्यू और ता सहित रही विष्णु दास स्टाच्यू या विष्णु दास स्टाच्यू निर्माण को लेकर जो विभिन्न संगठन पक्षर एवं कंग्रेस पक्षर नवनिर्माण कृषक संगठन पक्ष आंदोलन उठाई कि गोपबंधु स्टाच्यू निकट में विष्णु दास स्टाच्यू न हो कारण गोपबंधु सहित स्वर्गत विष्णु दास समकक्ष निर जो बद मुंड टेकी सेत जो जो दिन 26 तारीख जो प्रथम श्राद्धवार्षिक उपरूर सतजन मंत्री और गंडांगा विधायक आसी उन्मोचन करार कार्यक्रम रही है कितु ताकू जो विभिन्न संगठन पक्षर कंग्रेस पक्ष विरोध कराला सेत जो उन्मोचन हबार स्थगित रखा जाता कि परवर्त पर्यायर गत चार दिन तले जितेबाला यह नहीं बद उग्र रूप नहीं कंग्रेस तरफ जिलापाल एसपी को दाबीपत्र देता स्टाच्यू को स्थानातर करने कि गोटेपटे जितेबाद यह बद उग्र रूप नहीं किसी बीजेडी महिला आसिक विष्णु दास स्टाच्यू को हठात आसिक अनावरण करते यापर जो पुणी कंप्लेन आरंभ है और कंग्रेस बाड़ा राजरास्ता को ओल्ल से ही समय पुणी प्रशासन पक्षर रघुनाथपुर वीडियो एवं स्थानीय पुलिस अधिकारी सहित पुणी विष्णुनाथ स्टाच्यू को बंद कर दी पुणी आवरण कर दी जहाँ नहींक्र पुणी जो गत काली पुणी एक बद मुंड टेक जो प्रशासन पक्षर यू गोटे छात तेज दुई जनकर प्रतिमूर्ति थी जहाँ को लेकर बद हो प्रशासन तरफ को मझे छात को काटी दी भाग करने सहित ता मझे कांथ उठा देती यह नहींक्र पुणी एक बद हो जहाँ को गत काली राति नवनिर्माण कृषक संगठन व कंग्रेस आंदोलन को नहीं आम रही से जगार जोटी आंदोलन करुं कंग्रेस अच्छा वरिष्ठ कर्मकर्ता अच्छा नवनिर्माण कृषक संगठन जी अनशन बस देवी प्रसाद महाराणा महोदय किभली भाव में ये आंदोलन को ओल्लैंट कौन दाबी रही आप आमर मुख्य दाबी रही गोप मान चिरस्मरणीय उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दासंकर प्रतिमूर्ति पाखे जो विष्णु दासंकर प्रतिमूर्ति थुआई से प्रतिमूर्ति को अन्यत्र स्थानांतरण करा जाऊ कारण यह कौन सी राजनैतिक प्रसंग नुहे ये हूँ समग्र ओडियार भावावेग प्रति प्रभाव प्रभावित कर भावावेग को प्रभावित एवं जो सम्मान रही गोपबंधु जो गारिमा रही से गारिमा क्षुण्ण होती विष्णुदास प्रतिमूर्ति रखा द्वारा से आम नवेदन करुचु विष्णुदास प्रतिमूर्ति अन्यत्र स्थापन करें विष्णुदास प्रतिमूर्ति को विरोध करूना असम्मान करूना अन्यत्र स्थानातरण करम्र दाबी किंतु बड़ संदेहजनक स्थिति ठिया हो आज प्रशासन प्रथम थर पर प्रशासन पैसा खर्च करी एटी मूर्ति स्थापन करने व्यग्रता प्रकाश कर गत काली राति युद्धकालीन भित्ति तहसिलदार वीडियो आईआईसी एवं कनिष्ठ जंत्री एम समस्त उपस्थित एटी कार्य या जो भाई भाव में व्यग्रता देखे से कांथ जो पचेरी यातीक व्यग्रता आम अनुभव करूँ गाँव में जो ढलई रास्ता होकर व्यग्रता प्रकाश पाऊनी गरीब लोकटे भत्ताटे पाइब व्यग्रता प्रकाश पाऊनी कहीं प्रशासन व्यग्रता प्रकाश पाँच ये गोटे संदेहयुक्त कथा द्वितीय कथ हूँ जगत सिंहपुर जिलापाल जीक पांच दिन तले कहते हैं मूर्ति स्थानातर कर पांच दिन पर मत बदलीगला भाषा बदलीगला से ये मूर्ति स्थापन को अड़ बसिले केवल पार्टीशन करदे मात्र देढ़ इंच ग्याप करमी गोटे आल देखे से प्रतिमूर्ति स्थापन कले तेणु आम गोटे प्रशासन तरफ जहाँ विरोध कर नवनिर्माण कृषक संगठन धारण बस आम पाखे कंग्रेस वरिष्ठ कर्मकर्ता अच्छा किभली भाव में आप विरोध करते मूल जिलापाल सहित आलोचना करते किभली भाव में मूर्ति की स्थानातर कर पुणी का प्रशासन पक्षर पुणी गोटे कांथ उठा जाए मजे कौन प्रशासन पक्षर जो कांथ उठा जाए बड़ दुखर विषय प्रथमे कांग्रेस जो ए जिनस को विरोध करी थला
ଇଏ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଛି ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ଗୋପ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନ ସମ୍ମାନ ଗାରିମାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଇଏ ରଖାଯାଇକରି ସେଠି ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ କୁଠାରଘାତ କରାଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। ଆମର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ହିମାଂଶୁ ମଲ୍ଲିକ, ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକିରି କହିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏବଂ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାକୁ ବୁଝିବି ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେଇବି। ଇଏ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟବାର ମୁଁ ଯାଇକରି ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଯାଇକରି ଏସ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଗ ଭେଟିଥିଲି। ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ସେଠୁ ଉଠିଯାଇଛି, ଉଠିଯିବ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ହେବ, ଏଇଟା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଇସ୍ୟୁ। ଏଇଟା କହିକରି ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଏଥିରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ତାପରେ ଗୋଟାବେଳେ ଗଲି, ଗୋଟାବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ମୋତେ କହିଲେ, ପଣ୍ଡାବାବୁ ଏ କଥା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଦେଇଛି, ଆଜି ଧାରଣାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଯେଉଁପରି ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଭରସା ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁପରି ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ଭରସାରେ ଆମେ ଓହରି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଜି ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଆମକୁ ଆଖିଠାର ମାରି ଆଇନ କି ପୁଣି ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆଖିଠାର ମାରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ଆଇନ କି ଆଖିଠାର ମାରି ଆମକୁ ବୁଝେଇଲା ଭଳି ଭାଇ ବାଣ୍ଟରା କରିକିରି ପାଚେରୀ ଠିଆ କରିକିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି କେଉଁ ଭାଇ ବାଣ୍ଟରା କଥା ନୁହଁ, ଏଠି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ କଥା, ଓଡ଼ିଶା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମାନ ଇଜ୍ଜତର କଥା, ଏଠି 4 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନର କଥା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି, କେବଳ ଏତିକି ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ରାଜନୈତିକତା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଜଗତସିଂହପୁର ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ମାନସ କାରଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।